तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि करना क्या है। इस पार्क के अंदर चार अट्रैक्शंस हैं, यानी चार अलग अलग हिस्से में ये पार्क बटा हुआ है। उसी के हिसाब से इसके टिकट प्राइस भी है। आप व्लॉग को पॉज करके देख सकते हैं। चारों अट्रैक्शंस के मैंने टिकट्स ले लिए हैं और अब चलते हैं अंदर की तरफ। दोस्तों यहाँ आप देखो कि मेरे बराबर में जो लड़की थी वो अपने बैग में कुछ खाने का सामान लाई थी, जिसकी वजह से गार्ड ने उसको बाहर भेज दिया। सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। अभी मैं आ चुका हूँ एक और स्पॉट पे, बहुत ही जबरदस्त स्पॉट पे मैं आया हुआ हूँ पटना में। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि वादे के अनुसार 48 आवर्स मेरे को स्पेंड करने हैं यहाँ पे, और उन 48 आवर्स में आप कहाँ कहाँ घूम सकते हैं, तो उसी के अनुसार मैं एक जगह पे आया हूँ जो कि बहुत ही खूबसूरत है, जिसकी लागत 125 करोड़ है, और ये जाना जाता है अपने पीसफुलनेस के लिए। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ। अगर आप समझ चुके हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अभी जो आप ये देख रहे हैं मेरे पीछे, इसको बोलते हैं बुद्धा पार्क। तो अभी मैं बुद्धा पार्क में आया हूँ, बहुत ही जाना माना एक स्पॉट है, और ये मैं आपको दिखाऊंगा जो कि 125 करोड़ की लागत से बना हुआ है। तो आप देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। ये जो आप सामने देख रहे हो ये है पाटलिपुत्र करुणा स्तूपा। ये आपको एंट्री के फौरन बाद ही दिख जाएगा। ये यहाँ का वन ऑफ द मेन अट्रैक्शन पॉइंट है यहाँ का। इसकी जो हाइट है दोस्तों 130 फीट की है और 60 टन इसमें कॉपर का यूज किया गया है। तो दोस्तों यहाँ पे जो लेजर लाइट शो होता है शाम के वक्त होता है, वो होता है 6:30 से 8:30 के बीच में आपको लेजर लाइट शो देखने को मिलेगा। अगर आप आते हैं तो यहाँ पे तकरीबन आपको 2 दिन चाहिए सिर्फ यहाँ पे घूमने के लिए, क्योंकि इतना बड़े एरिया में फैला हुआ है। सो लेकिन हमारे पास टाइम की थोड़ी सी किल्लत है, थोड़ी सी कमी है, जिसकी वजह से हम इसको जल्दी जल्दी निपटाने की कोशिश करेंगे। अगर हम बात करें कि ये क्लोज कब रहता है, तो दोस्तों मंडे के दिन आप नहीं जाओ, क्योंकि मंडे के दिन ये पार्क क्लोज रहते हैं। 12 दिन तक का कोर्स है और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई खाने पीने का कुछ नहीं, रहना खाना सब फ्री, और डॉक्टर वगैरह होंगे सब इसमें। आपको यही तो आपको मैं क्या कहते हैं जो मेंटली प्रॉब्लम रहता है या फिर कोई यहाँ पे अंदर जाके शांति कर सकते हैं। और म्यूजियम कितनी तरफ होगा? म्यूजियम उधर है। तो अभी हम चल रहे हैं सुपर स्तूपा की तरफ और ऊपर की तरफ जा रहे हैं। अभी हम छोटी छोटी सी स्लाइड है जो कि आराम से ऊपर पहुंचा देगी, और इसके अंदर देखते हैं, इसके अंदर जाके देखना है हम लोग को कि कैसा है, क्या है, क्या नहीं है। तो मेरे को तो बहुत ही यहाँ पे शांति वाला एक फील हो रहा है, यहाँ पे अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। अब मेन हम इस स्तूपा के अंदर जाने वाले हैं और देखने वाले हैं कि अंदर से किस तरीके का ये दिखता है, क्या क्या यहाँ पे एक्टिविटीज़ होती हैं। वीडियो अलाउड नहीं है तो मैं भी आपको फिर थोड़ी देर में बताऊँगा। हाँ जी, तो यहाँ से चढ़ चुके हैं हम ऊपर की तरफ, और इसका जो एंट्री गेट है वो यही लग रहा है मेरे को, और आज मैं कुछ ज़्यादा ही स्मार्ट लग रहा हूँ। इस स्तूपा के अंदर से बाहर का नज़ारा कुछ इस तरीके का दिखता है। बड़े से गुम्बद के नीचे जस्ट नीचे कलश रखा हुआ है, और बताया जाता है कि इसमें गौतम बुद्धा के अस्थियों के असली अवशेष यहाँ पर रखे गए हैं। दोस्तों वीडियो रिकॉर्डिंग अलाउड नहीं थी, सो बाहर आके मैं वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन थोड़ी बहुत हमने फिर भी बना ली, क्योंकि यार थोड़ी बहुत बदमाशी कर लेते हैं, ज़्यादा नहीं। अगर वो रोकते तो मैं रुक जाता, लेकिन वो थे नहीं कार्ड उस टाइम पे, तो मैंने वीडियो बना ली थोड़ी सी अंदर की। और अंदर की तरफ बहुत ही शांति है, अंदर जो है बुद्धा की एक स्मृति रखी हुई है, उसमें बताते हैं कि आज भी उनकी राख है, एक छोटा सा एक गोल्ड का कुछ बनाया हुआ है उसमें डिबिया में उनकी आज भी। सो दोस्तों जैसे कि अगर हम राजघाट जाते हैं तो वहाँ पे एक तरह का म्यूज़िक चलता रहता है ना, वहाँ पे म्यूज़िक चलता है रघुपति राघव राजा राम, इसी तरह से यहाँ पे भी एक म्यूज़िक चल रहा है जो यहाँ की जो साइलेंस है, जो यहाँ की पीस है उसको और इन्हेंस कर रहा है, और जो बहुत ही सही लग रहा है। और यहाँ पे टूरिस्ट आ रहे हैं और यहाँ पे बाहर से भी लोग आते हैं, बहुत ही अच्छा टूरिस्ट अट्रैक्शन है। आप जब कभी भी आप यहाँ पे आओ ना तो एक बार विज़िट ज़रूर करना। चलते हैं अब म्यूज़ियम की तरफ, अब यहाँ का एक बार हम म्यूज़ियम देख लेते हैं। भाई अभी हम जा रहे हैं म्यूज़ियम की तरफ, बुद्धा म्यूज़ियम में, और 2 राउंड लगा चुके हैं गोल गोल, लेकिन अभी तक म्यूज़ियम का एंट्री गेट नहीं दिख पा रहा है। तो दोस्तों अभी हम आ चुके हैं बुद्धा की म्यूज़ियम में, अभी हम अंदर जाने वाले हैं और देखने वाले हैं अंदर हमें क्या क्या देखने को हिस्ट्री से रिलेटेड मिलने वाला है। तो आइए चलते हैं अंदर की तरफ
बहुत दो बार घूम लिया तो उसके बाद एंट्री गेट का पता चला है। तो अब चलिए अंदर की तरफ चलते हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है ये वाला ब्लॉग, क्योंकि ये पार्क बहुत ही बड़ा पार्क है, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अच्छा पार्क है। तो आइए चलते हैं अंदर की तरफ। Used to be optimistic, these days I just don't know. Pick a fence in the valley, I hope it's losing its hold. You know the mother girls will love it. तो सर एग्जिट कर चुके हैं और यहाँ पे जो है तीन लेवल है म्यूजियम के अंदर, तीन लेवल हैं। पहला गैलरी है, सेकंड नंबर पे 10 मिनट की मूवी चलेगी जो आपको पूरी हिस्ट्री बताएगी, जो अभी हमने बुद्धिज्म के बारे में पढ़ा है, बौद्ध के बारे में पढ़ा है, उसके बारे में ही विजुअली इसमें दिखाया गया है। और देन उसके बाद एक और गैलरी है, देन उसके बाद आपका एग्जिट है। तो ये सामने जो बिल्डिंग है ए ब्लॉक, बी ब्लॉक और ये है सी ब्लॉक। तो सामने के जो ब्लॉक्स हैं ए और बी, इसमें क्या होता है कि इसमें मेडिटेशन के लिए यहाँ पे 12 दिन के लिए जो मैंने आपको बताया था कोर्स होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री रहना, खाना पीना वो सब, ठीक है ए और बी में। अब हम चलते हैं सी में, सी में जो है पुस्तकालय है, लाइब्रेरी है, तो अंदर जाके देखेंगे। चलिए चलते हैं। तो दोस्तों अभी मैं ब्लॉक सी में होकर आ गया हूँ। ब्लॉक सी में बिल्डिंग काफ़ी बड़ी है लेकिन जो लाइब्रेरी है ना वो छोटी सी एक साइड में है, ठीक है, एंट्री करती राइट साइड पर लाइब्रेरी है। तो जब मैं अंदर गया तो वहाँ पे ये पर्ची टिकट वगैरह दिखाया मैंने, उसके बाद जो है मैंने सबसे पहली बुक ली वो थी सत्यनारायण जी की कविता क्या फिर खोया प्यार मिलेगा। ये सत्यनारायण जी की कविता थी जो मैं ब्लॉक सी में लाइब्रेरी में पढ़कर आया हूँ। यकीन मानिएगा बहुत ही खूबसूरत कविता थी, मज़ा आ गया पढ़कर। आप जब कभी भी आओ यहाँ पे तो आपको पता ही है यहाँ भी विज़िट करना है और ये वाली कविता भी पढ़कर देखनी है। मिलते हैं नेक्स्ट स्पॉट पर।